अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे CBRC की, या जिसे हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जो कंप्यूटराइज बनता है वो कैसे बनाया जाए और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ CRC के बारे में, यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में और कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कि इनमें डिफरेंस क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है और कहाँ से बनता है और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, एक तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि एक मिसकंसेप्शन है कि जो कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट है वो नादरा से बनता है। तो ऐसा नहीं है, नादरा जो चीज़ बनाता है बच्चे के रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसको कहते हैं CRC या कंप्यूटराइज बे फॉर्म। और उसमें होता यह है कि बच्चे का आईडी कार्ड का नंबर जो है वो प्री अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि अगर वो 18 साल से कम भी है तो उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है कि जब वो बड़ा होगा 18 साल का होगा तो उस नंबर के ऊपर उसका आईडी कार्ड बनेगा। जबकि CBRC या चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसमें कोई ऐसा नंबर मैंशन नहीं होता, उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है, बच्चे का नाम, बच्चे की तारीख़ पैदाइश, बच्चे के वालदेन के नाम और इसके अलावा जाए पैदाइश, एड्रेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। CBRC बनाने के लिए आपको यूनियन काउंसिल से रब्ता करना पड़ता है अपने इलाके की, या अगर आप कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर आपको रब्ता करना पड़ेगा, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसको इशू करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ रिपोर्ट। इसके अलावा बच्चे के पेरेंट्स के कंप्यूटराइज आईडी कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें ये बात ध्यान में रखिए कि शनाख्ती कार्ड बच्चों के जो वालदेन के बने हुए हैं वो मैरिड वाले बने हुए हों, यानी कि शादी से पहले वाले ना हो, और अगर शादी से पहले वाले हों तो पहले वो सिंगल से मैरिड अपना स्टेटस चेंज करवा लें, इसके बाद ही बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो एडिशनल चीज़ है वो ये कि बच्चे के दादा का नाम और आईडी कार्ड का नंबर चाहिए होता है, जो आपको बेसिकली फॉर्म मिलता है उसको फिल करने में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर दादा का NIC नंबर अवेलेबल ना हो तो आप दादा का सिर्फ नाम मेंशन कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको इसकी फ़ीस। नॉर्मली जो इसकी फ़ीस है वो 50 रुपये से स्टार्ट होती है। इसकी फ़ीस फिक्स्ड नहीं है। बच्चा अगर न्यूली बॉर्न है तो सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये ही चार्ज करते हैं यूनियन काउंसिल वाले। लेकिन अगर आप लेट इंदराज करा रहे हैं, बच्चा 12-14 साल का हो चुका है, तो फिर कम से कम भी फ़ीस जो होती है वो 350 रुपये होती है। एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इलाके के यूनियन काउंसिल में ही जाएं। कुछ रीजन्स में पाकिस्तान में ऐसा भी है कि आप मुख्तलिफ और ज़राए भी इख्तियार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बल्दिया नाम से ऐप आई हुई है जो पंजाब में वर्क करती है, आप उस बल्दिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा पंजाब में ही खिदमत मरकज़ के नाम से कुछ मराकज़ बना दिए गए हैं, वहाँ पर भी ऑनलाइन काम हो जाता है। लेकिन जिन एरियाज़ में ये सहूलत नहीं है, वहाँ पर कंटोनमेंट या यूनियन काउंसिल ऑफिस से जाके आपको पर्सनली विज़िट करके फॉर्म हासिल करना पड़ता है और उसको फिल करके जमा कराना होता है, तभी आपका CBRC बनता है। लास्ट में आपको एक और काम की बात बताता चलूँ कि अगर बच्चा जो है वो पाकिस्तान से बाहर पैदा हुआ है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि उसका इंदराज यहाँ पाकिस्तान में करा लें और यहाँ पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। CBRC में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता उनकी एप्लीकेशन में कि आप बच्चे की प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो पाकिस्तान से बाहर की लिख सकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बुनियादी मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की CBRC या चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।